बाफ्टा अवार्ड्स 2024 का बीते दिन रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के साथ दीपिका पादुकोण भी प्रेजेंटेटर को तौर पर नजर आईं। इस दौरान उन्होंने एक्टर जोनाथन ग्लेजर को बाफ्टा अवार्ड दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम ब्रेन विद ब्यूटी हसीनाओं की लिस्ट में शुमार है। दीपिका सिर्फ खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि वो काफी टैलेंटेड भी हैं। अपनी एक्टिंग स्किल्स और कातिलाना लुक के चलते दीपिका बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्मों में अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। वहीं अब दीपिका ने एक बार फिर अपने टैलेंट के दम पर देश का नाम रोशन किया है। दरअसल दीपिका पादुकोण ने इस साल बाफ्टा अवार्ड्स में डेब्यू किया है। दीपिका ने जिस तरह बीते साल ऑस्कर स्टेज पर बतौर प्रेजेंटर धमाका किया था, ठीक वैसे ही इस बार बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में बतौर प्रेजेंटर छा गई। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024 में पद्मावत एक्ट्रेस ने द जोन ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक्टर जोनाथन ग्लेजर को बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज का अवार्ड दिया है। इस दौरान एक्ट्रेस का लुक भी देखने लायक था। एक्ट्रेस ने इस बार भी अपने रेड कार्पेट के लिए देसी लुक चुना। इस दौरान दीपिका शिमरी ऑफ व्हाइट साड़ी पहने नजर आई। इसके साथ अदाकारा ने मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया हुआ था। दीपिका पादुकोण ने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था, जो उनकी परफेक्ट खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था।